हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी द कॉम्प्रोमाइज। इसके राइटर हैं विजयदन देथा। इस स्टोरी को विजयदन जी ने राजस्थानी लैंग्वेज में लिखा था और फिर श्याम माथुर जी ने इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। विजयदन जी अकेले ही एक ऐसे राइटर थे जो राजस्थानी लिटरेचर को डेवलप किए थे। 2005 में एक फिल्म आई थी पहेली, और ये मूवी इनके लिखे हुए विजयदन जी के लिखे हुए एक स्टोरी पर बेस्ड है जिसका नाम था दुविधा। विजयदन जी को अपने लिटरेरी वर्क के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री मिला है उन्हें और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था राइटर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पर और लिटरेचर के कई सारे टॉपिक्स पर, लेकिन इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, और हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ही जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, द कॉम्प्रोमाइज। इस स्टोरी को राइटर ने ही नरेट किया है। स्टोरी की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं राइटर नहीं बल्कि रीडर था। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट रहे होंगे और दूसरों की लिखी हुई बुक्स को पढ़ते थे। फिर आगे कहते हैं कि वो क्लास 8 में थे और अपने फ्रेंड से मिलने उनके हॉस्टल जाया करते थे, और इनका खुद का घर जो था स्कूल से नजदीक था, तो इनको हॉस्टल की जरूरत नहीं थी, अपने घर पे रहते थे। और जब भी ये हॉस्टल जाते थे तो इनके फ्रेंड्स सिर्फ एक लड़के के बारे में बात करते थे जिसका नाम था आस्करण। और सिर्फ राइटर के फ्रेंड्स ही नहीं बल्कि हॉस्टल के सभी लड़के सिर्फ आस्करण के बारे में ही बात करते थे, वही इनके टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे। ऐसा क्यों था, आइए देखते हैं। आस्करण दिखने में लंबा चौड़ा था, छोटी आंखें थी, फ्लैबी बॉडी थी और गोला सा चेहरा, वाटरमेलन जैसा गोला चेहरा था, और जो फेस था पूरा पिंपल से भरा हुआ था। इसके बहुत ही कम कॉन्टेक्ट थे, बहुत कम लोगों से ये बात करता था, और अगर कोई इससे बात भी करता था ये बहुत हार्डली उसको रिस्पॉन्ड करता था और अपने आप में ही रहता था। फ्रेंड्स, इसकी एक अजीब सी आदत थी, इसका जब भी मन करता था ये क्या करता था, एक मिरर के सामने आकर बैठता था और उससे घंटों बात करता था, और इस वजह से उसके जो कंपेनियन थे उसे बहुत ज्यादा टीज करते थे, बहुत ज्यादा उसे चिढ़ाने लगते थे। इस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो अपने आप को ही मिरर में काफी देर तक देखता था और ऐसे घूरता था जैसे कि किसी दूसरे लड़के को देख रहा हो, और इस तरीके से बात करता था जैसे कोई उसका फ्रेंड हो। एक बार क्या हुआ, उसने मिरर उठाया, उसे डस्ट किया, उसे साफ किया और एक टेबल पे रखा, और उस टेबल के अपोजिट चेयर लेकर बैठ गया और उसे काफी देर तक घूरा, और फिर ऐसे धीरे से गुस्से में बोला कि मुझे बात बताओ, इस बार तुम क्वार्टरली में कैसे फेल हुए। फिर मुंह लटका कर खुद ही को रिप्लाई करता है एकदम फीबल वॉइस में, एकदम धीरे आवाज में, कि मैं अकेला नहीं हूँ अपने क्लास में जो फेल हुआ हूँ, बल्कि आधा से ज्यादा लड़के मेरे क्लास में फेल हैं। फिर अचानक से वो एक्सप्रेशन चेंज करता है और एकदम हार्श टोन में बोलता है, लेट द अदर्स गो टू हेल, तुम्हें उनसे क्या करना है, कितने लोग फेल हुए हैं कितने लोग पास हुए हैं उससे मतलब नहीं है, तुम फेल हो बस तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारी फैमिली इतनी मेहनत कर रही है, ठीक से खाना नहीं खाती है, और तुम हो कि तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर से अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और धीरे वॉइस में बोलता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था। फिर से एक्सप्रेशन चेंज और गुस्से में बोला, क्या वो डिफिकल्ट सिर्फ तुम्हारे लिए था और जो पास हुए हैं उनके लिए नहीं था। फिर एक्सप्रेशन चेंज किया और अपने लो वॉइस में बोला कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, पर एग्जामिनेशन टाइम पे मुझे फीवर हो गया था और मैं सब कुछ भूल गया। फिर ये गुस्से में बोलता है, जब से तुम ये टाउन में आए हो, जब से तुम ये शहर में आए हो, बहुत ज्यादा बात करने लग गए हो, अगर तुम सच में आगे चल के खुश रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, तो तुम्हें बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो फ्यूचर में तुम खुद ही पछताओगे। इतना बोल के वो वहां से मिरर के पास से उठकर चला जाता है। फिर दूसरे ओकेजन में जब ये लेट उठता है तब इसे बहुत बुरा फील होता है और ये दौड़ता हुआ मिरर के पास जाता है, और इस बार मिरर को साफ भी नहीं करता है और बैठ जाता है दांत पीसते हुए, और गुस्से में कहता है कि तुम लास्ट नाइट इतना लेट क्यों आए, जरूर मूवी देखने गए होगे। फिर से अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और धीरे से बोलता है, जब भी मैं थोड़ा सा भी लेट होता हूँ तुम हमेशा यही सस्पेक्ट करते हो, हमेशा यही शक करते हो कि मैं कोई फिल्म देखने गया हूँ। फिर ये रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं था तो क्या था, तुम कहाँ गए थे, तुम क्यों इतना लेट आए। फिर थोड़ी देर कंफ्यूज होकर खुद को देखता है, शांत होता है और थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता है कि मैं मासी जी के घर चला गया था, मैंने उनको कितना मना किया कि मुझे जाने दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जबरदस्ती डिनर कराकर ही भेजा, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। फिर से अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और बोलता है, यकीन और तुझ पर, मैंने सब कुछ पता लगा लिया कि कल तुम कहां गए थे, तुम कल चार बुजा टॉकीज में कार्निधन और राम बख्श के साथ मूवी देखने गए थे, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनके साथ मत जाया करो, उनकी कंपनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानते हो। अभी अपना एक्सप्रेशन वापस से चेंज करता है, पप्पी फेस बना लेता है, गिल्ट में रहता है, अपनी आंखों को नीचे झुकाकर साइड में देखने लगता है और कहता है कि कल मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इस चीज का रियलाइज हो गया है और मैं इसे वापस रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। फिर से अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें माफ करता हूँ तुम वापस से कुछ ना कुछ नया करते हो, कुछ नई गलती करते हो, और मैं बिल्कुल इस बार तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तुम्हारी फैमिली इतना स्ट्रगल कर रही है, इतना सफर कर रही है ताकि तुम एक अच्छा एजुकेशन पा सको, लेकिन तुम्हें उनका बिल्कुल भी केयर नहीं है, वो तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत तभी सफल हो पाएगी कि जब तुम कुछ बन पाओगे, तुम कुछ अच्छा कर पाओगे अपने लाइफ में, नहीं तो उनकी लाइफ तो फ्रस्ट्रेटिंग हो ही जाएगी और साथ ही तुम्हारी भी, अगर तुमने सीरियसली पढ़ाई नहीं किया तो, वही गाँव जाकर खेती करोगे धूप में।
फिर और गुस्से में अपनी आंखों को और ब्रॉड करते हुए ये मिरर के सामने बोलता है कि मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तुम इतना गुस्सा हो रहे हो मुझ पर, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। जो भी मैं कुछ कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूँ। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, जो टाइम हमें मिला है हमें उसी में अपने आप को प्रूफ करना होता है, और एक बार टाइम निकल जाता है तो हम जिंदगी भर बस रोते रह जाते हैं। फिर अचानक से उसे मिरर में डोंकी नजर आता है, गधा दिखाई देने लगता है और ये डर जाता है और धीरे से हेजिटेट होकर वो पीछे देखता है कि कहीं कोई सच में डोंकी तो नहीं है। तो वहां देखता है वो कोई डोंकी नहीं है, फिर से मिरर की तरफ देखता है तो इसको अपना क्लियर फेस दिखाई देता है जो कि पूरा पिंपल से भरा होता है, और थोड़ी ही देर में इसको अपने कान जो है कुत्ते की तरह लंबे दिखाई देने लगते हैं, और ये फिर से अपनी आंखें को बंद कर लेता है। और फिर जब ये धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो इसके कान भी इसके ओरिजिनल शेप में होते हैं। फिर ये अपने ईयर लोब्स को रिपीटेडली खींचने लगता है, पुल करने लगता है। ऐसा हेलुसिनेशन उसे अक्सर होता था, यानी ऐसी चीज उसे दिखाई देती थी जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने सर पर दो हॉर्न्स दिखाई देते हैं, दो सींग दिखाई देते हैं, और अब ये चीज उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और वो झटके से उस चेयर से उठ जाता है और एक सिगरेट लेता है, एक बीड़ी लेता है वो, और उसे पीना शुरू कर देता है। फिर से वो मिरर के पास आता है, उसी चेयर पे बैठता है, और फिर उसे अपने लंबे लंबे कान दिखाई देने लगते हैं और दो पॉइंटेड सींग दिखाई देते हैं, दो पॉइंटेड हॉर्न्स दिखाई देते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है ये सीन देखकर और वहां से उठ जाता है और सीधा बेड पे जाकर लेट जाता है, और फिर कई दिनों तक उस मिरर के सामने वो नहीं बैठता। कई दिनों के बाद वो फिर से मिरर के सामने आता है, उसे टेबल पर रखता है, खुद अपोजिट में चेयर लेके बैठता है, और क्योंकि इसने बहुत दिनों के बाद मिरर को यूज किया है तो मिरर में बहुत ज्यादा बहुत ही थिक लेयर डस्ट के जम गए हुए, और ये फिर से शुरू हो जाता है और बोलता है आजकल जनाब लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़की को चेस कर रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम पढ़ चुके जो करना था कर चुके, क्योंकि इसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता जब लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, तो सच क्या है मुझे सीधे सीधे बता दो नहीं तो तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और फिर से ये रिप्लाई करता है क्या मेरे पास एक इतना भी हक नहीं है कि मैं रोड पे चल सकूं, पब्लिक रोड पे चल सकूं जहां पे इतने लोग हैं, इतने आदमी लोग जा रहे हैं, इतने औरत लोग जा रहे हैं, तो मैं किसी का हिसाब नहीं रखा हूं, मैं किसी के पीछे नहीं जा रहा हूं, ऐसे ही कोई आगे होगा मैं उसके पीछे जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे फॉलो कर रहा था। तो ये बोलता है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझे सब अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर लड़की है जिसको तुम फॉलो करते हो, जिसके पीछे जाते हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। और तुमने ये आर्ट कब सीखा, लड़की पटाने का, लड़की के पीछे भागने का आर्ट तुमने कब सीखा, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ट्रस्ट करके तुम्हें पढ़ने के लिए दूर भेजा और तुम ये सब कर रहे हो। ये खुद ही को कोसने लगता है। फिर ये धीरे धीरे और गुस्सा होने लगता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि तुम ये सारी नॉनसेंस बंद करोगे या मैं तुम पर चाटे बरसाना शुरू करूं। और थोड़ी ही देर में वो अपने आप को मारने लगता है, एकदम जोर जोर से अपने गाल पर चाटे मारने लगता है एक के बाद एक, और अब उसके गाल पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती है, और उसके पास हिम्मत नहीं होता है कि अपने आप को मिरर में देख पाए और इसलिए सर झुका के नीचे बैठा रहता है। फिर धीरे से वो अपनी आंखें खोलता है, एक आंखें खोलता है और मिरर की तरफ देखता है, देखता है कि उसके गाल अभी तक रेड ही हैं और उसमें जो कुछ पिंपल्स थे वो फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और गुस्से में फिर से वार्निंग देता है अपने आप को कि सुधर जाओ नहीं तो इस बार मैं तुम्हारा गला ही दबा दूंगा, अगर तुम उस लड़की को फॉलो करना बंद कर दोगे, इस लड़की को चेस करना नहीं बंद करोगे तो मैं तुम्हारा गला ही दबा दूंगा, ऐसे वो बोलने लगता है। फिर इस बार कुछ वहां से रिप्लाई नहीं आता। फिर वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है और वो कंटिन्यूसली अपने फेस को देखता है, अपनी आंखों को देखता है, और धीरे धीरे वो नोटिस करता है कि उसका जो फेस है वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके फेस उसको दिखाई नहीं देते, और मन ही मन बड़बड़ाता है कि ये तो अजीब है कि मुझे मेरा ही फेस नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो हॉस्टल के बाहर एकदम पागलों की तरह दौड़ कर जाता है और मिठाई लेकर आता है, एक स्वीट शॉप में जाता है, वहां से मिठाई लेकर आता है, फिर से उसी मिरर के पास आकर बैठता है, और अब उसके फेस का जो रेडनेस है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर से अपने आप से बात करना शुरू करता है कि अब रोना बंद करो और ये लो स्वीट खाओ। और फिर वो रिप्लाई करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तुमने मुझे क्यों मारा। फिर ये कहता है कि ये तो कुछ नहीं था, अगर तुम मिसबिहेव ऐसे ही करोगे तो तुम्हें मैं और मारूंगा। फिर ये खुद अपने आप को रिप्लाई करता है और बोलता है ऐसा ही है तो इतना अफेक्शन क्यों दिखा रहे हो, फिर से मुझे मारो और तब तक मारते रहो जब तक तुम टायर्ड ना हो जाओ। फिर अपने टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा वो तुम्हारे भले के लिए कहा, तुम्हारे अच्छे के लिए, ताकि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए, हम दोनों कोई दो डिफरेंट लोग नहीं है, हम दोनों ही एक हैं। फिर से ये अपना टोन चेंज करता है, खुद को रिप्लाई करता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, लेकिन उसके पहले तुम इस मिरर को तोड़ के फेंक दो कहीं, उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं वो सारी बात मानूंगा। फिर ये कहता है अगर ऐसा है तो पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तो ही मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा। तो ये कहता है यस मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर एक बार तुमने इस मिरर को तोड़ दिया तो तुम जो भी कुछ कहोगे मैं वो सारी बात मानूंगा। अब भगवान ही जानते थे कि किस तरीके का पागलपन उसके अंदर था, उसने सच में मिरर के बहुत सारे स्मॉल पीसेस कर दिए, तोड़ दिए उसको और जाकर कहीं फेंक दिया, और उसके बाद आराम से बैठकर उसने वो सारे स्वीट्स को खाया। उस दिन इन दोनों के बीच एक सॉलिड कॉम्प्रोमाइज हुआ था और इसने जो भी प्रॉमिस किया उसे फुलफिल किया, अपने स्टडीज को बहुत ही सीरियसली लिया और आगे चल के एक पुलिस ऑफिसर भी बना। फ्रेंड्स यहाँ राइटर ने बहुत ही क्रिएटिवली मिरर का यूज किया है, एक ही कैरेक्टर के दो पर्सनालिटीज को यानी आस्करन के इनर सेल्फ को और आउटर सेल्फ को एक दूसरे से डिबेट करने के लिए, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने के लिए मिरर ने ही फैसिलिटेट किया है। कई दिनों तक आर्ग्यूमेंट होने के बाद, डिबेट होने के बाद ये दोनों ही इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ एक डील पर आते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं, और आस्करन वो अचीव करता है जो उसे हमेशा से अचीव करना था,
और यहाँ स्टोरी की एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज के एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।